आज का हमारा जो विषय है वो विषय है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति 1776 ईस्वी में। अमेरिका की क्रांति विश्व इतिहास की, अभी तक जितने टॉपिक पढ़े हैं अपन ने, वो सभी टॉपिक क्रांति के तो पढ़े हैं अपन ने। क्रांति शब्द तो बार बार प्रयोग हुआ है। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? आवाज क्लियर आई है मेरी? ठीक है बेटा। अमेरिका की क्रांति से पहले जितनी हमने क्रांति पढ़ी है अभी तक, चाहे बेटा हमने कृषि क्रांति पढ़ी हो, चाहे हमने औद्योगिक क्रांति पढ़ी हो, चाहे हमने जो है वाणिज्यिक क्रांति पढ़ी हो, ये सभी क्रांति आर्थिक संसाधनों में चेंजिंग की बात है, उत्पादन में अत्यधिक बढ़ोतरी की बात है, जो अब तक हमने क्रांति पढ़ी है। हमारा क्रांति का इसका टॉपिक जो हमारा है वो है अमेरिका की क्रांति। अब क्रांति जो वास्तव में हम क्रांति से अभिप्राय लगाते हैं, रक्त रंजित यानी खूनी क्रांति। अमेरिका की क्रांति 1776 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र होता है। जब अमेरिका स्वतंत्र होता है तो ये पहली क्रांति थी जो किसी औपनिवेशिक देश के द्वारा, किसी उपनिवेश स्थापित यानी साम्राज्यवादी देश के खिलाफ एकजुट होकर क्रांति की हो, एक युद्ध किया हो और उस युद्ध में उसको पराजित किया हो। 76 से लेकर 1776 से 1783 ईस्वी तक अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चलता है। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है इंग्लैंड के साथ ये 13 बस्तियां और यूरोपीय फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल ये मिलके उसके साथ एक संघर्ष करते हैं, जिस संघर्ष में अमेरिका विजयी रहता है और एक इंग्लैंड पराजित होता है। पहली बार इस अमरीकी क्रांति का नारा जो था, पहली बार देश में जो है संविधान तंत्र लागू हुआ, पहली बार लोकतंत्र लागू हुआ कि विश्व के अंदर सही मायने में, और पहली बार किसी औपनिवेशिक देश के द्वारा किसी साम्राज्यवादी शक्ति को पराजित करके वहां लोकतंत्र स्थापित किया गया। ये सबसे पहली बात है। विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र जो है वो अमरीका है। अमेरिका में लोकतंत्र स्थापित किया गया और भविष्य में, चाहे उसमें भारत हो, चाहे एशिया महाद्वीप के औपनिवेशिक देश हो, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के देश हो, चाहे कोई यूरोप के देश हो, जो भी अधीनस्थ राज्य थे, अधीनस्थ देश थे, उन सभी देशों के अंदर बार बार एक भावना का प्रचार हुआ। किसका? कि किस प्रकार से अमेरिका ने क्रांति की थी और किस प्रकार से ये कहते थे पहला भाई अमरीका, ये जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड अजय है, ये बात भारत में भी कहा करते थे। लेकिन जब भी क्रांतिकारी घटनाएं आती है, हम जब क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, विश्व के अन्य देशों में पढ़ते हैं, तो उसमें जो अमेरिका क्रांति से सीख ली जाती है, ये प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे सामने आता है। और ये कहा जाता है कि अमेरिका की जो क्रांति हुई ये आगे आने वाले जो देश थे राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक ये मील का पत्थर साबित हुआ। और लोग बार बार अमेरिकी क्रांति को पढ़ते, अमेरिकी क्रांति को देखते, उसके बारे में विचार करते और ये अभ्यास करते कि अंग्रेजों को पराजित करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस प्रकार से अमेरिका के लोग इकट्ठे हुए और इन लोगों ने मिलकर जो है संघर्ष किया, जैसे नो संघर्ष किया, तो इनका जो संघर्ष का प्रतिफल था कि औपनिवेशवादी देशों को पराजित किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है अमेरिका की क्रांति। अब बात आती है कि भी ऐसे क्या कारण रहे, ऐसे कारण क्या रहे जिन कारणों से अमेरिका के अंदर क्रांति हुई। क्यों हुई भाई? काम ठीक चल रहा है, क्यों हुई ऐसी क्रांति? तो सबसे पहले जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही अमेरिका की खोज। बेटा देखो, 1453 ईस्वी में ये जितने भी टॉपिक प्रारंभ होते हैं, इन सभी टॉपिकों के अंदर एक बात सामूहिक होती है। विश्व के अंदर एक बड़ा घटनाक्रम अगर चेंज होता है, उसके लिए पुश्तून दुनिया का पतन, 1453
1453 की वो घटना जिसके अंदर मंगोल साम्राज्य की राजधानी जिसे कुस्तुनतुनिया कहते थे, आधुनिक काल में ये तुर्की में जो है इस्तांबुल है। ये जो कुस्तुनतुनिया था क्या, ये व्यापार का, वाणिज्य का जो है, एशिया या मैं एक पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाला एक मार्ग था। यहां एशिया महाद्वीप की चीजें, जो पूर्व की चीजें थी, वो पश्चिम में पहुंचती थी। ये थल मार्ग का बीच में पड़ता था। ये थल मार्ग के बिल्कुल बीच में पड़ने वाला एक स्थान था। यहां से जो एशिया महाद्वीप की चीजों की डिमांड थी बहुत ज्यादा, उस डिमांड को इस थल मार्ग से पूर्ण किया जाता था। लेकिन एक घटना घटी। घटना क्या घटी कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के ऊपर तुर्कों का अधिकार हो गया। जब तुर्कों का अधिकार हुआ तो यहाँ एक नया सिस्टम क्रिएट हुआ। तुर्कों ने इस व्यापारी मार्ग को बंद कर दिया। स्टार्टिंग में तो मध्यस्थ की भूमिका में रहे वो, लगभग 1472 के आसपास की घटना है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इन लोगों ने व्यापार को बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब व्यापार से पूर्व की चीजों की पश्चिम में बहुत ज्यादा डिमांड थी, पश्चिम की चीजों की पूर्व में डिमांड थी। यानी मैं कहूं कि व्यापार से अत्यधिक लाभ कमाया जाता था। यहाँ का सूती वस्त्र, यहाँ का रेशमी वस्त्र, यहाँ के मसाले, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। इनकी डिमांड होने का मतलब ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की लालसा में इन लोगों ने अब क्या करा, थल मार्ग बंद हो गया कि नए मार्ग की खोज की जाए। अब नया मार्ग, उस समय हवाई जहाज तो आई नहीं थी भाई, अब समुद्र दिखा था, तो समुद्र के अंदर से संभावनाएं तलाशी गई। अब संभावनाएं तलाशी गई तो इसी में क्या कहा कि सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल बड़े अग्रणी देश रहे। पूर्व के देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, नए मार्ग की खोज करने के लिए समय समय पर समुद्री मार्ग से, थल मार्ग बंद हो गया, वहां खतरा था, जो भी जाता था उसको लूट लेते थे, मार देते थे जो है, इसलिए व्यापारी इस क्षेत्र से जाना पसंद नहीं करते थे। परिणाम अब समुद्र के मार्ग से, कहते बेटा कोलंबस, कोलंबस समुद्र के मार्ग से एशिया महाद्वीप के लिए चला, भारत के लिए चला। अब भारत के लिए जब वो चला, भारत की उसने खोज नहीं करी, भाई भारतीय खोज करते, भारत का पहले पता था, एशिया महाद्वीप को पहले पता था, लेकिन कोलंबस कहते कि रास्ता भूल गया, आना चाहता था भारत में और पहुंच गया किस, और पहुंच गया भाई अमेरिका। अमेरिका पहुंचा तो उसने वहां उनको इंडिया कहा था, ये बात भी शब्द आती है, इंडिया कहा था। अब यहाँ 1492 की घटना है, अमेरिका में पहुंच गया, एक नए महाद्वीप की खोज होगी, एक नए देशों की खोज होगी। 1501 ईस्वी में इटली का नाविक था अमेरिगो वेस्पुची, इसके नाम के ऊपर यहां अमेरिका नाम रखा गया बाद में। इसी दौरान धीरे धीरे कहते मेरा इंग्लैंड, जर्मनी और जो देश थे यहाँ के, ये सभी देश जो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, ये सारे के सारे देश अमेरिका और दूसरे देशों में पहुंचना उनका प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे एक सिस्टम और क्रिएट हुआ। कहते कि राजा ने, इंग्लैंड के राजा ने एक सिस्टम क्रिएट किया कि अपने यहाँ के जो कर्मचारी थे उनकी दो कंपनियों का कहते निर्माण करता है, और वो किसके लिए, वो कंपनियां अमेरिका के लिए, अमेरिका जो बस उस समय बस्तियां नहीं थी, अमेरिका महाद्वीप के जो देश थे छोटे छोटे, इनमें व्यापार के लिए उन्हें अधिकार देता है। एक लंदन और प्ली में दो कंपनियां थी, इनको अधिकार देता है। और जो है एक बात और कहता है कि व्यापार करो, साथ में उपनिवेश भी बसा लो, साथ में उपनिवेश भी स्थापित कर लो। क्योंकि 1492 से लेकर और 1600 तक, इस टाइम तक मैंने आपको पिछले साल एक टॉपिक करवाया था, पिछले जो सेमेस्टर में किया था, कि भूमध्य सागर से व्यापार का अटलांटिक महासागर की में जाना। भूमध्य सागर से अटलांटिक, यानी जो पुर्तगाल
स्पेन और इटली और खासकर जो है पुर्तगाल और स्पेन, इनके हाथ से व्यापार किस प्रकार से इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस की तरफ पहुंच जाता है, किस प्रकार से फ्रांस की तरफ पहुंच जाता है, ये बड़ा कारण था। व्यापार स्टार्टिंग में ये लोग जब बार 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 वहां व्यापार के लिए गए ना, तो इन लोगों ने क्या किया वहां, वहां संभावनाएं देखी, बहुत ज्यादा डिमांड थी अमेरिका, अमेरिका में जो लाभ की संभावनाएं थी, अमेरिका में डिमांड थी, अमेरिका की जो कि यूरोप में डिमांड थी, इन चीजों की फिर एशिया महाद्वीप में डिमांड थी, यानी पूरे विश्व में एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को पहुंचाया गया, एक गोल चक्कर बना दिया, माल उधर से उधर उधर से उधर लाभ कमाया। अब क्या किया, सबसे पहले 1606 ईस्वी में जेम्स प्रथम यहाँ का सम्राट है, उसने दो कंपनियों को अथॉरिटी दे दी व्यापार के लिए, अब कंपनी बन गई। देखो हमने पीछे टॉपिक भी क्या था बेटा, कि जो है अब एक व्यक्ति के बस की बात नहीं रही, अब संयुक्त पूंजी कंपनियां बसाई गई, बनाई गई, क्यों, क्योंकि व्यापार अब जो है राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय हो चुका था, और महाद्वीप नहीं अंतर महाद्वीपीय हो चुका था, पैसे की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, तो अनेक लोगों ने मिलकर पूंजी लगाई और जो है शेयर बेचे जाने प्रारंभ हो गए, परिणाम कंपनियों की स्थापना हुई, और राजा ने कंपनियों को एक अधिकार दे दिया, क्योंकि राजा है मैन, राजा ने अधिकार दे दिया किसके लिए, व्यापार के लिए, और उपनिवेश बसाने के लिए आज्ञा भी दे दी। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ आप लोगों को, जब भी उपनिवेश बसाने की बात आती थी या पूंजी लगाने की बात आती थी, तो राजा क्या कहता था, हर एक देश का राजा ये कहता था, उसको एक अधिकार दिया जाता था कि आप जहां भी जाके पूंजी लगाओगे, जहां भी उपनिवेश बसाओगे, उसके लिए इंग्लैंड की सरकार, फ्रांस की सरकार, जब जिस भी देश की बात, वो सरकार तैयार रहेगी आपके अधिकारों के लिए, लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आपको अधिकार है, हम आपका सहयोग करेंगे। 1607 ईस्वी में, 1607 ईस्वी में कहते हैं कैप्टन क्रिस्टोफर ने जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन के ऊपर बस्ती का निर्माण कर दिया। ये बेटा दो नंबर का बहुत बार पूछा जाता है, भाई पहली बस्ती इंग्लैंड की कहां अमेरिका में कद बसी, 1607, किसने, जेम्स क्रिस्टोफर, जेम्स नदी और जेम्स टाउन। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कहते कि कुछ कठिनाइयों के बाद इन्होंने तंबाकू व्यापार के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। 1775 आते आते इंग्लैंड में 13 बस्तियां यानी 13 उपनिवेश किसके बस गए, इंग्लैंड के बस गए। अब ये 13 जो उपनिवेश बसे, इन उपनिवेशों ने मिलकर 1776 ईस्वी में अमेरिका के सभी उपनिवेशों ने, 13 उपनिवेश इनने मिलके एक संघर्ष किया, और उस संघर्ष का प्रतिफल ये हुआ कि इन्होंने जो है अपने देश को स्वतंत्र करवा लिया, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता, अमेरिका कहा जाता, 13 बस्तियां फिर इकट्ठी होगी। इसके बाद संघर्ष चला। अब कहते बेटा 1776 से लेकर 1783 से जो 13 उपनिवेश, इनके बारे में एक बात और बता देता हूं, 13 उपनिवेश जो उस समय थे जिस समय अमेरिका स्वतंत्र हुआ, उस समय केवल 13 उपनिवेश यानी 13 राज्य, और इसका क्षेत्रफल था 3,15,065 वर्ग मील। आज की बात अगर अमेरिका की करें, आज के संदर्भ में अगर देखें, तो अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, 50 अमेरिका के अंदर राज्य हैं, और उसका क्षेत्रफल जो है वो है 36,15,322 वर्ग मील। अगर हम एक बात ये देखा, तो इससे अभिप्राय ये है कि जो देश कभी उपनिवेश, सॉरी जो है साम्राज्यवाद का शिकार रहा, है, वो देश आधुनिक काल में आज भी, और 1776 के बाद और जिसने गृह युद्ध जीत लिया उसके, जो सॉरी उपनिवेशिक युद्ध जीत लिया उसके बाद, सबसे बड़ा साम्राज्यवादी देश बन के उभरा, क्योंकि उसकी अगर तुलना करें तो 3,00,000 थी 15,000, और आज जो है 36 है, तो बेटा 33,00,000 वर्ग मील जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, और जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया अमेरिका के द्वारा, जिसे आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। अब 1500
के दौर में 1584 की शायद वो घटना है, एक घटना घटी थी शायद 1584 थी, वहां आलमेडा, मैं एक बार कंफर्म भी कर लूंगा, आलमेडा जहाज था बेटा अमेरिका का, सॉरी स्पेन का, स्पेन का जहाज था। इस स्पेन के जहाजी बेड़े को जो कभी नौसेना के मामले में नंबर वन हुआ करता था उसको पराजित कर दिया था इंग्लैंड ने और तबाह कर दिया था। इसी के बाद जो है इंग्लैंड विश्व की नंबर वन नौसैनिक और धीरे धीरे जो है विश्व की नंबर वन शक्ति बन गया था। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कहते हैं कि जो 13 बस्तियां बसी थी, इन 13 बस्तियों में 2 प्रकार के लोग रहते थे। एक तो थे भाई यूरोपियन, एक यूरोपियन थे और दूसरे वहां के मूल निवासी रेड इंडियंस, रेड इंडियंस। अब जो है रेड इंडियंस तो जो वहां के मूल निवासी है, काले लोग थे बेचारे, जो अंग्रेज यानी यूरोप के जो देश गए थे जिनको हम गोरे चिट्टे का आपस सारे अंग्रेज बताओ, जर्मन उसने भी अंग्रेज बताओ वहां, लेकिन जो कहते बेटा जितनी पॉपुलेशन गई हुई थी वहां गोरे लोगों की थी, उनमें से 90% जो थे वो अंग्रेज थे। अंग्रेज ही अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, ये बड़ा कारण, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अन्य जो देश थे उनकी 10% सहभागिता थी यहां। अब ये लोग गए थे क्रांति के लिए, बड़ा कारण सिद्ध हुआ, कई कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि यूरोप की राजनीतिक स्थिति, आपको पता कि धर्म युद्ध हुए थे यूरोप में, धर्म युद्ध हुए और धर्म युद्धों का परिणाम यह था कि बहुत बड़ी संख्या में एक दूसरे को, कैथोलिक वालों ने और प्रोटेस्टेंट वालों ने एक दूसरे को लंबे समय तक कत्लेआम हुआ था। तो बड़ी संख्या में लोग दूसरे देशों में चले गए, उसमें एक अमरीका भी शामिल। आपसी लड़ाई और व्यापार की कमाई, आपसी लड़ाई और व्यापार की कमाई, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका था कि व्यापार में बहुत ज्यादा धन मिल लग रहा है, तो ये लोग जो है देखी देखी ये लोग भी वहां पहुंच गए। एक तीसरा कारण बड़ा इंपॉर्टेंट था, इंग्लैंड से बड़ी संख्या में मजदूरों को, मध्यम वर्गीय जो आम बेचारे किसान थे मजदूर थे, उन लोगों को अमरीका में ले जाया गया। जो बड़ी हुई जनसंख्या थी उसको भी अमरीका में बसाया गया, क्यों? लाभ के लिए, वे लोग उड़ रहेंगे कमाओगे, केवल इंग्लैंड को लाभ देंगे। जो पूंजीपति लोग थे, बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनको धन मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा, ये मेन बात थी। एक जो है धर्म के प्रचार के लिए बहुत लोग गए हैं, वो जाके अमेरिका में बस गए। एक और कहते हैं कि अमेरिका इंग्लैंड के अंदर एक बड़ा कारण और था, लाभ कमाना तो था ही, इंग्लैंड में स्टुअर्ट समर्थक जो थे वो बड़ी संख्या में अमेरिका में चले गए। सुधारवादी या मध्यम वर्गीय या गरीब लोग जो थे वो अमेरिका में जाके उन लोगों ने बसना प्रारंभ कर दिया। तो पॉपुलेशन, अब कुल मिलाकर मैं एक बात कह सकता हूं, जो लोग दबे कुचले थे अमेरिका इंग्लैंड के अंदर, जो मध्यम वर्गीय थे या मजदूर किस्म के लोग थे, किसान लोग थे जिनकी कृषि क्रांति के दौरान जमीनें भी छीन ली थी, उससे पहले जिन्हें खेती करने के लिए जब वहां ले जाया गया था, मजदूरी के लिए जाया गया था, वो लोग क्या करने लगे, वो लोग वहां जाकर धीरे धीरे बड़े बड़े भूमिपति बन गए। धीरे धीरे उन लोगों के पास पैसा आ गया, धन। अब जिसके पास धन आ जाएगा, धन की लालसा होगी, तो उनके अंदर विचार भी चेंज होंगे। इसके साथ साथ कहते हैं कि जो है कुछ व्यापारिक बातें आती हैं। अमेरिका जो था ना, ये उपनिवेश जो थे, इनके अंदर लकड़ी, मछली, अन्य वनस्पति बड़े मात्रा में थी। इंग्लैंड के समुद्री जहाजों का निर्माण इनसे किया जा सकता है, लकड़ियों से, वन संपदा से। यहाँ शराब व चीनी के लिए ये उपनिवेश विख्यात है, मध्य क्षेत्र खासकर। दक्षिण क्षेत्र में गन्ना, कपास, तंबाकू बहुत था। अब इंग्लैंड ने क्या चाहिए, इंग्लैंड के अंदर कृषि क्रांति के बाद इंग्लैंड के अंदर क्या हो गया था, इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति हो गई थी 750 से 1850 के बीच में, तो पूरे उफान पर थी। लेकिन एक काम नहीं कह सकते बेटा, 750 को ही हम एक डेडलाइन नहीं रख सकते, 750 से पहले ये चीज प्रारंभ हो चुकी थी उनमें। हाँ, 750 के ऊपर तो बहुत बड़े पैमाने पर होने लगे। अब औद्योगिक क्रांति के लिए क्या चाहिए,
औद्योगिक क्रांति के लिए इन लोगों को कच्चा माल चाहिए। किसको? इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को कच्चा माल चाहिए और फिर अपना तैयार माल के लिए खपत। तो क्या होगा? अधिक से अधिक लोगों का शोषण किया जाएगा, अधिक से अधिक लोगों का शोषण किया जाएगा। जब अधिक से अधिक लोगों का शोषण करने की परंपरा प्रारंभ हुई तो ये लोग धीरे धीरे संकुचित होने लगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कारण आता है। देखो बेटा, चाहे भारत की बात कर ले, चाहे उसकी, ठीक है अंग्रेज यहाँ आए, इसी प्रकार अमेरिका में गए। अंग्रेजों ने यहाँ जो है क्या किया, अंग्रेजों ने यहाँ ठीक है धन लूट लिया मान गए, लेकिन जो है उसके साथ साथ यहाँ नगरों का विकास भी तो होया। वो एक काम अमरीका हुआ था, यहाँ शिक्षा का प्रचार भारत में हुआ था, उड़े भी हुआ था, यातायात के साधनों का प्रचार यहाँ होया, इंडिया में तो भाई अमरीका भी हुआ था। हम इंडिया के संदर्भ में अमरीका को समझ सकते आराम से। तो क्या हुआ कि जो है शिक्षा के प्रचार से, नगरों के उदय से धीरे धीरे यहाँ लोग जो बड़ी अब उद्योग स्थापित होने लगे, तो बड़ी संख्या में लोग उनमें काम करने लगे, तो लोग इकट्ठे होने लगे। शिक्षा के साथ जो है शिक्षा हुई तो लोगों के दिमाग का बहुत दिक चिंतन होने लग गया, लोग स्वतंत्र विचारों से परिपूर्ण होने लग गए। अब लोग जो है अपने लिए अधिकारों की डिमांड करने लगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि सारी जो सिस्टम रहा, सारा सिस्टम जो क्रिएट हुआ, अरे नगरों का उदय। कहते ये नगर जो थे, ये नगर जो थे, इन नगरों के उदय से ये नगर जो केंद्र बन गए 1776 की क्रांति के सहायक कारण के रूप में विख्यात हुए। अब कहते भाई के कारण थे अमेरिका की क्रांति होने के कारण क्या थे? यस ओके 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 थैंक यू। अरे बेटा ये बताओ, आप लोगों को समझ में आया? यहां तक बेटा कुछ समझ में आया, आ रहा है? और भाई, अरे कुछ समझ में आया के मन तो घनी सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करी थी ना, तो एक बार इसने सुन लियो, यूट्यूब पर डाल दूंगा इसको मैं। ये प्रीति, साहिल, अंजलि, तन्नु, अरे कुछ समझ में आया कि सजन है ये बोल पड़े, अगर वो ना हो तो मैं दोबारा फिर कुछ और आसान तरीके से समझाऊंगा। अब कहते हैं बेटा अमेरिका की क्रांति के कारण क्या थे? अमेरिका की क्रांति के कारणों के बारे में बात की जाए ना, तो कुछ इतिहासकार जो है इसके बारे में अपने अपने शब्द प्रस्तुत करते, अपने अपने विचार प्रस्तुत करते। अब एक बताओ, देखो किसी भी क्रांति के लिए, किसी भी साम्राज्य के पतन के लिए बेटा एक दो कारण नहीं होते, अपितु एक दो कारण मुख्य होते हैं और उसके साथ साथ दूसरे कारण सहायक कारण के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। सारे कारण जब इकट्ठे हो जाए ना, उस टाइम क्रांति हो जाए। एक कारण से कभी भी क्रांति नहीं होती, अपितु अनेक कारण जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार होता है, इसके लिए जो है आर्थिक कारण भी जिम्मेदार होता है, इसके लिए धार्मिक और बौद्धिक, इसके लिए धार्मिक भी, बौद्धिक कारण भी, और कोई ना कोई ऐसा आर्थिक और कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा तात्कालिक कारण कह जाए। इसमें भारत में 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहते हैं भाई क्रांति के तो घने कारण थे, लेकिन चर्बी वाले कारतूसों से घटना घट गई। इसी प्रकार से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कह दिया कि भाई कारण तो घने थे, अनगिनत कारण थे, लेकिन उसी दौरान क्या होया, उसे दौरान जो है हंगरी के राजकुमार की हत्या होगी भाई सर्बिया में। तो कारण तो अनेक जिम्मेदार होते हैं। पोलैंड को प्राधिकार का क्वेश्चन आया आक्रमण का, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, हालांकि कारण गणे थे पहला। एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, अनेक कारण जिम्मेदार होते हैं। अमरीका की क्रांति के संदर्भ में दो इतिहासकारों के मत बड़े विख्यात है, एक है चार्ल्स मैकलिन एंड्रयूज। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक बात सिद्ध करने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड, अमेरिका और इंग्लैंड, अमेरिका के उपनिवेश और इंग्लैंड,
इनके मध्य जो मतभेद का सबसे प्रमुख कारण था वो राजनीतिक विचारों में गहरा मतभेद। राजनीतिक विचारों में, राजनीतिक विचार कौन से? प्रतिनिधित्व के बाद इंग्लैंड की संसद के अनुचित कर जो लगाना, उनके बारे में। सम्राट के प्रति अमेरिका के लोग कहते कि सम्राट हमारा राजा है, संसद हमारे ऊपर सर्वोच्च नहीं है, तो इस संदर्भ में कहते हैं। और इन्होंने द कॉलोनियल बैकग्राउंड ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, द कॉलोनियल बैकग्राउंड ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन पुस्तक में अपने ये विचार प्रस्तुत किए, अपने विचार प्रस्तुत किए, उसमें तर्क दिए, अलग अलग कारण दिए, अलग अलग घटनाओं का एक जो है ब्यौरा दिया, टाइम वाइज, सब जो पेज वाइज, नंबर वाइज, नंबर वाइज, और ये सिद्ध करने की कोशिश की कि अमेरिका की क्रांति का और कारण इतना बड़ा जिम्मेदार नहीं है जितना कारण जो है राजनीतिक कारण था, या कहें कि अधिकारों की बात थी, अधिकार मांगने की बात थी, वो था। दूसरा मत जो है आर्थिक संघर्ष को क्रांति का मुख्य कारण मानते हैं। इसमें कौन है? इसमें जो है बेयर्ड नामक एक इतिहासकार है, ये कहते हैं इसने जो है द इकोनॉमी ओरिजिन्स ऑफ जेफरसोनियम डेमोक्रेसी, इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा कि इंग्लैंड और अमेरिका जो है ना, दो उपनिवेश थे अमेरिका के, जो 13 बस्तियां थी और एक तरफ इंग्लैंड है, इनके मध्य अगर संघर्ष का कारण है तो व्यापारिक और केवल जो है औद्योगिक हित, कुल मिला के कहूं कि जो है क्रांति का प्रमुख कारण आर्थिक है। लेकिन लेकिन जो है सभी इतिहासकार इन दो कारणों के ऊपर ये कहते हैं कि हाँ मान लिया कि प्रमुख कारण दोनों है, मान लिया, लेकिन दो एक कारण नहीं है अपितु अनेक कारण जो है इसके लिए जिम्मेदार है। इतिहासकार जो है कहते हैं कि राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार है, आर्थिक भी है, धार्मिक भी है, धर्म का प्रभाव भी बड़ा है, और बौद्धिक, बुद्धि यानी बुद्धिजीवी लोगों का आगमन और एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के लोग जो है एक प्रकार की मेंटलिटी लोगों ने बढ़ा ली, लोगों ने स्वतंत्र विचारों को ग्रहण कर लिया, इन सभी बातों का एक मिला जुला एफर्ट है। अब कहते भाई सबसे पहला जो कारण है वो कहते कि इंग्लैंड और अमरीकी उपनिवेशों में सबसे पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में क्या क्वेश्चन के था? देखो इंग्लैंड ने अपनी 13 बस्तियां बसा ली, अमेरिका के अंदर एक बात विख्यात है और अमेरिका के लोग जिस चीज को मानते हैं वो मानते हैं कि जो है भाई हमारे ऊपर अधिकार है केवल सम्राट का, हमारा संबंध जो है सम्राट से डायरेक्ट है। दूसरी तरफ जो इंग्लैंड की संसद जो है, संसद जो इंग्लैंड की है, उसका एक बात मानना था कि जिस प्रकार से इंग्लैंड की संसद को, इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लैंड है उसके नागरिकों के लिए कानून बनाने का अधिकार है, उसी प्रकार से हमें अधिकार है अमेरिका के लिए, हमें अधिकार है भारत के लिए, ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। दूसरी तरफ यहीं से क्वेश्चन पैदा होते हैं, अमेरिका के अंदर जो है एक दोषपूर्ण शासन पद्धति लागू थी, चलो दिखावे के लिए एक शासन पद्धति लागू, ये दिखाते हैं कि भाई अमेरिका जो है ना यहां चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है, और चुनी हुई सरकार जो किसकी है? अमेरिका के प्रतिनिधियों की सरकार, अमेरिका के लोगों के द्वारा सरकार बना रखी है प्रतिनिधि। तो जिस प्रकार से हमारा 1919 का अधिनियम आता, 1935 का अधिनियम आता, जिसके तहत जो पहले प्रांतों को फिर केंद्र को एक सिस्टम दिया जाता है कि भाई कानून बनाने का राइट और सारे राइट जो किसको है, ये नहीं लोगों को, एक बात की एक साबित करने की बात की जाती है। तो यहां इनमें क्वेश्चन शुरू होता भाई, और क्वेश्चन केवल इतना ही था या तीन पर, पहले मेरी सुनो, एक गवर्नर जिस प्रकार भारत में था, दूसरा जिसको गवर्नर कह लो, गवर्नर जनरल कह लो बाद में,
गवर्नर और गवर्नर की काउंसिल, उसके मंत्री जो चार भी हो सके, पांच भी हो सके, दस भी हो सके, बारह भी हो सके, और तीसरा तीसरा काउंसिल जो भारतीयों का जो एक चुनाव प्रतिनिधि, तो प्रतिनिधि थी। ये तीन प्रकार के लोग, गवर्नर और दूसरा कार्यकारिणी, ये सारे के सारे इंग्लैंड की संसद के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो ये चुने हुए प्रतिनिधि थे वो अमेरिका के अलग अलग जो भाग थे इनके, जो अलग अलग इनके भाग थे भाई, चाहे चाहे जो इसमें दक्षिणी कैरोलिना ला लो, चाहे जो है न्यू हैम्पशायर ला लो, मैसा चुटेसर ला लो, न्यूयॉर्क ला लो, न्यू जर्सी ला लो, जो जो प्रांत थे, वर्जीनिया ला लो, जो प्रांत थे ना, जो उस टाइम उपनिवेश थे, अलग अलग 13 बस्तियां थी, ये सारी की सारी 13 बस्तियां थी, इनके अंदर अलग अलग अपना अपना प्रतिनिधित्व था, चुनी हुई सरकार थी, जिसको केवल अधिकार दे रखा था, लेकिन उसके ऊपर सही मायने में नियंत्रण जो था, वो नियंत्रण जो था वो गवर्नर का होता था और उसकी काउंसिल का होता था। इनके निर्णय को पलटने की शक्ति गवर्नर के पास थी। अब यहां इनकी आपस में मतभेद भेद प्रारंभ होता है। मतभेद यही था कि भी जो उपनिवेश थे वो ये चाहते थे कि हमारा जो प्रतिनिधित्व हो, हमारा जो प्रतिनिधित्व हो किसके लिए हो, वो प्रतिनिधित्व हमारे राष्ट्र के लिए हो, हमारा मालिक जो है वो इंग्लैंड का सम्राट है, संसद नहीं है। दूसरी तरफ संसद बार बार ये बात पे घोषणा करने की प्रयत्न करती है, बार बार ये बात कहती है, कानून बनाती है डायरेक्ट रूप से अमेरिका के लिए, और विरोध का केवल एकमात्र यही कारण, सबसे प्रमुख कारण तो और थे लेकिन प्रमुख कारण यही था। इन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन की संसद हमारे लिए कानून बनाती है और वो अमेरिका के किसी भी उपनिवेश में अगर लागू होते, 13 बस्तियों में से 13 बस्तियों में लागू होते हैं, तो हमें भी इंग्लैंड की संसद के अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाए। इन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। बेटा ये क्वेश्चन उलझ गया यहाँ। अब क्या हुआ, अब जो यही विवाद का क्वेश्चन प्रश्न प्रारंभ हुआ। इसी दौरान जो है इंग्लैंड की संसद ने अनेक कानून पास किए, क्योंकि इनको जो धन चाहिए था, जाने सम्राट उपनिवेशों से अधिक धन चाहता है, चाहे तो अनुदान के रूप में मिल जा, अर्चे कर के रूप में मिल जा। ब्रिटिश संसद ने अनेक एक्ट पास किए, जिसमें जो राजस्व संबंधी भी है, नो परिवहन संबंधी भी है, संसद ने स्टैंप एक्ट भी लागू किया। ये सारे जो कानून पास किए, ये जबरदस्ती अमेरिका की जनता के ऊपर थोपे गए। अमेरिका की जनता ने यही कहा कि जो भाई हमें जो है अगर संसद कानून बनाने का अधिकार है अमेरिका इंग्लैंड को, तो हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये प्रमुख कारण जो है इनके संघर्ष का प्रमुख कारण है। एक दोषपूर्ण शासन पद्धति जो मैं इससे पहले बीच में बता चुका हूं आपको, बेटा इंग्लैंड ने अपने उपनिवेशों में अमेरिका में ये बात दिखाने की कोशिश की कि जो है जिस प्रकार का शासन तंत्र इंग्लैंड में चला हुआ है, भाई उड़े एक सम्राट है, संसद है, प्रांतों में गवर्नर है, उसकी कार्यकारिणी है, इसी प्रकार का सिस्टम हम ताती भी दे रहे हैं। हम जो है आप लोगों को भी शासन पद्धति दे रहे हैं, लेकिन यह शासन पद्धति दोषपूर्ण थी। गवर्नर था, गवर्नर की कार्यकारिणी थी, और विधान सदन यानी असेंबली, विधानसभा का असेंबली है वो है। पहले दो पद जो है गवर्नर और कार्यकारिणी ब्रिटेन के सम्राट के प्रति उत्तरदायी है। देखो राज्य तो कर रहे हैं अमेरिका के उपनिवेशों में, और जो है उत्तरदायी किसके प्रति है, अमेरिका की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अपितु उत्तरदायी किसके प्रति है, उत्तरदायी जो है इंग्लैंड के प्रति है। अब मैं भारत के संदर्भ में, हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी, एक छोटी बात, आपने देखा होगा कि गवर्नर जो है ना अपना भारत में,
गवर्नर जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, लेकिन आपको बार बार देखते हैं इसमें कौन सी भी सरकार रही हो, गवर्नर को हमेशा जो है जो सत्ताधीन पार्टी, सत्तासीन पार्टी है, उस पार्टी ने हमेशा किस रूप में यूज करा, उस रूप में अपने जो है एक एजेंट के रूप में यूज किया। अनेक जो है चुनी हुई सरकार के मध्य और गवर्नर के मध्य केवल केंद्र सरकार जो रही हो, आज भी और पहले भी, आप बार बार ये विवाद के क्वेश्चन, जो आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी भी हो, ये बार बार एक क्वेश्चन खड़ा होता है, तो ये क्वेश्चन जो है अमेरिका के अंदर भी खड़ा हो गया। अब क्या करें, काम के हैं, कहते हैं भाई जो है इसमें जो ब्रिटेन की जो संसद बना रखी, दो पूर्ण शासनपति थी, गवर्नर हो या थी, या जो है इंग्लैंड के लिए, और जो तीसरा असेंबली थी यहाँ, वो जो है स्थानीय लोगों की आवश्यकता के लिए इनके चुनी प्रतिनिधि थे और कानून बनाएगी, लेकिन उन कानूनों को निरस्त करने का अधिकार गवर्नर के पास हुआ करता। अब इम्पोर्टेंट बात फिर आएगी, अब भाई गवर्नर जो कानून बनाने की बात आई, अगर उन कानूनों को फैल कर देता है, उन कानूनों को हटा देता है, तो कानून क्या कहते हैं, समय समय पर इस संसद के ये जो असेंबली थी इनके ऊपर प्रेशर बनाकर इंग्लैंड के हित में, जब ये लोग इनकार करते तो फिर भी इंग्लैंड के हित में कानून बनवाए जाते थे, और इन कानूनों का एकमात्र उद्देश्य था कि अधिक से अधिक लाभ लेना है, और वो इंग्लैंड के लाभ। इस बात से अमेरिका के उपनिवेश और इंग्लैंड दोनों में गहरे मतभेद पैदा हो गए, और मतभेद इतने बढ़ गए कि वो अमेरिका के क्रांति के लिए सभी कारणों के साथ साथ ये कारण जो है प्रमुख रूप से एक बड़ा सहायक कारण सिद्ध हुआ। स्वतंत्रता की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि बड़ा इंपॉर्टेंट कहते हैं, स्वतंत्रता धीरे धीरे जो है अमेरिका के लोग जो बस्तियां थी वो आपस में कनेक्टिविटी बढ़ गई उनकी, चाहे यातायात के साधनों के रूप में लगा लो आप, चाहे जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार से लगा लो, और चाहे साझा, जो भारत में हम कहा गया ना भाई 1857 क्रांति का कारण के था, या राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में हम कहते कि भाई एक साझा दुश्मन था अमेरिका, इन लोगों ने देख सॉरी साझा दुश्मन इंग्लैंड, इन लोगों ने देखा अमेरिका के लोगों ने कि इंग्लैंड में तो बड़े बड़े स्वतंत्रता समानता और भाई कानून का राज चल रहे हैं, और हमारा को नहीं, देखो हमारे यहाँ शोषण चला हुआ है, हमारा तो यार शोषण है, हमारे अधिकार देते नहीं, दिखावा के अधिकार है, ये भावना जो थी या स्वतंत्रता की भावना मनोवृत्ति को बढ़ाने वाली थी। इसके साथ साथ शिक्षा के विचारों से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। अब भाई कहते हैं कि शिक्षा जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा उधाड़ेगा। सर छोटू राम जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, और भाई शिक्षित बनने के बाद क्या करो कि है भोले किसान, एक तो जो तू बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचाना, और कब सीखेगा, जब शिक्षित बन जाएगा। ज्योतिबा फुले ने भी यही कहा था, स्वामी दयानंद ने भी यही कहा कि भाई शिक्षित बनो, जब शिक्षित व्यक्ति बन जाएगा तो शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोगों की स्वतंत्रता मनोवृत्ति बढ़ने लगी। यहां भी ऐसा हुआ, यहां एक इंपॉर्टेंट बात और थी, इंग्लैंड के अनगिनत लोग अमेरिका में जाकर बस चुके थे, वो अमेरिका के यहाँ उपनिवेश तंत्र जो इंग्लैंड के द्वारा स्थापित किया गया था उसको देख रहे थे बड़ी गौर से, और वो समय समय पर अमेरिका के लोग इंग्लैंड में भी उनका आना जाना रहता था, वहां के विचार दोनों को देखते तो यहाँ विरोधाभास पैदा होता था। इसके साथ ही जो है अनेक जो है विचारक पैदा हुए जिनकी स्वतंत्रता की भावना के परिणाम स्वरूप अमेरिका में लोगों में स्वतंत्रता के विचार पैदा हुए। इस संदर्भ में जो है अमेरिकी क्रांति के नेता जॉन एडम्स, जिन्होंने क्या कहा था, क्रांति लोगों के दिलो दिमाग में थी एवं उपनिवेशों की एक सूत्रता में थी, ये दोनों कार्य वास्तविक शुरू होने से पहले ही संपन्न हो चुके।
वास्तविक युद्ध शुरू होने से। देखो कितनी बड़ी बात कह रही है, ये कह रहा है कि स्वतंत्रता की जो भावना थी ना वो भाई हर एक आदमी में थी, हर एक अमेरिकन में थी, और इसके साथ साथ सारे उपनिवेशी उनमें थी। यही प्रतिफल था कि 1776 में जो ये जीत तो गए, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित तो कर दिया, लेकिन जो है 1776 से 1783 तक जो गृह युद्ध चला, सॉरी जो उपनिवेशों के उपनिवेशवादी देश के खिलाफ युद्ध चला, उसमें जब तक ये इनकी मनोवृत्ति स्वतंत्र विचारों की ना होती, अपने देश को स्वतंत्र कराने की ना होती, तो कभी ये स्वतंत्र नहीं हो सकते। आंतरिक स्वशासन व ब्रिटेन का हस्तक्षेप, ब्रिटेन ने दिखावा खातर के करा गया था उपनिवेशों में, सभी उपनिवेशों में असेंबलियों की स्थापना करा गई, गवर्नर था, गवर्नर के ऊपर जो है उसकी काउंसिल थी, इंग्लैंड की थी, लेकिन एक असेंबली भी थी। जो चुने प्रतिनिधि किसके थे, वो थे इन उपनिवेशों के प्रतिनिधि, लेकिन इंग्लैंड की सरकार इसमें बार बार हस्तक्षेप करती, क्यों करती थी भाई, सीधी बात है, दंची है था भाई। इंग्लैंड के लोग जिस प्रकार भारत में शुरू से आखिर तक केवल विदेशी बने रहे, उसी प्रकार से अमेरिका में भी शुरू से आखिर तक विदेशी बने रहे, जो धन कमाया अपने देश में ले गए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अधिक से अधिक धन कमाया। इसके साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात आता है, कुछ टाइम ऐसा बीतता है जिस जो अमेरिका के लोगों के लिए सहायक सिद्ध हुआ। एक तो भाई सबसे पहली बात आती है 5000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी थी, दूरी जो है दूरी बहुत बहुत ज्यादा थी, जहाज आन जान में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता इसे। और दूसरा, अमेरिका के जो उपनिवेश थे वो संकीर्ण थे, उनके रास्ते संकीर्ण थे, जंगली इलाका ज्यादा था उस टाइम। तीसरा, 1603 से 1688 स्टुअर्ट वंश रहा यहां, और ये क्या था, इस टाइम में आपको दिखाई देता है, इस टाइम में जो संघर्ष का दौर चलता है इंग्लैंड के अंदर, संघर्ष का दौर चलता है इंग्लैंड के अंदर। इसी समय गौरवशाली क्रांति की बात आती है 88 में, जब सम्राट ने सूली पे चढ़ा दिया, आ जा भाई तू आ जा। 36 से 48 तक संघर्ष चलता अलग से, तो संघर्ष बेटा समय समय पर अनेक संघर्ष जो है यहाँ प्रारंभ होते हैं। इन संघर्षों का प्रतिफल था कि उपनिवेशों की तरफ ये लोग ध्यान नहीं दे पाए। अमेरिका के उत्तरी जो उपनिवेश थे ना, उनकी हालत तो बड़ी खराब थी। जब इनकी हालत खराब थी तो अमेरिका के अंदर इंग्लैंड का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ गया इनमें, और लोगों का अत्यधिक शोषण होना प्रारंभ हो गया। समय समय पर जो है लोगों को के ऊपर अनगिनत टैक्स लगाए जाने प्रारंभ हो गए, ये हस्तक्षेप किया गया, लोगों का आर्थिक शोषण जो है अधिक से अधिक किया गया। इस संदर्भ में एक बात आती है, ये कहते हैं कि 1765 के बाद ब्रिटेन ने आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक हस्तक्षेप और शिकंजा जकड़ना शुरू किया उपनिवेशों में, और उपनिवेशों ने क्या किया, घोर विरोध किया। एक सप्तवर्षीय युद्ध जिसमें जो है इंग्लैंड के ऊपर जो है अंतर्राष्ट्रीय कर बहुत बढ़ गया था, इंग्लैंड कर्जवान हो गया था, इसका प्रतिफल बहुत जबरदस्त था। इसी का प्रतिफल था कि जो है अमेरिका के ऊपर अधिक से अधिक टैक्स लगाए गए, जिसका अमेरिका वासियों ने विरोध किया। उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति लगाव का अभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उपनिवेशवासी जो थे इंग्लैंड वाले शुरू से आकर तक विदेशी बने रहे। इसके साथ साथ जो दूसरा कारण बड़ा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि यहां जो मूल निवासी थे उनसे अलग जो यूरोपियन थे उनमें भी इंग्लैंड के थे भाई, ये भी आ गया। लेकिन जो इंग्लैंड में जो लोग आ रहे थे ना, इंग्लैंड से लोग आए थे, वो लोग बेटा गरीब निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय लोग थे, और इन लोगों ने यहाँ आके अपने उपनिवेश अपने जो है बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, बाद में बड़े बड़े जो कृषि क्षेत्रों के मालिक बन गए, इनके पास धन घना आ गया। इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड से जब ये लोग आए थे इंग्लैंड से या तो सस्ती मजदूरी के लिए या इन्हें दंड देने के लिए वहां भेजा गया था, जो काला पानी की सजा दिया गया। और एक और हुआ,
एक लंबा टाइम चलाएगा, 3-4 पीढ़ी आएगी। इतने शुरू वाले चलो ठीक है, उनका इंग्लैंड के प्रति मोह था, 3-4 पीढ़ी चेंज होगी, लगभग जो है 150-200 साल का टाइम चला गया। अब जो जो पहले इनके जो पूर्वज आए थे अमेरिका के लोगों का, उनका अमेरिका के ई वाले जो बालक थे, वो इंग्लैंड को अपना मातृ देश नहीं मानते, वो अमेरिका को अपना मातृ देश मानते। ये लगाव का अभाव था। और इंग्लैंड वाले शुरू से लेकर आखिर तक केवल केवल और केवल एक बात में रहे, अरे इन लोगों ने केवल धन कमाना, इंग्लैंड में जाकर डो देना। ये एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ कि जो है फ्रांसीसी क्रांति, सॉरी ये अमेरिकी क्रांति। इसके बाद जो है अगला कारण जो आता है वो आता है धार्मिक आयाम, धार्मिक कारण है। कहते बेटा अमेरिका की क्रांति के लिए एक धार्मिक कारण बड़ा इंपोर्टेंट था। अमेरिका का वातावरण यूरोप के देशों के वातावरण से बिल्कुल अलग था। अमेरिका ठीक है कि इंग्लैंड में जो है प्रोटेस्टेंट वाले थे, वहां एलिगन चर्च की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन एलिगन चर्च भी धर्म के मामले में अनगिनत प्रतिबंध थे उसके। और ये जो लोग थे, उस जो लोग इसे भी मैं नास्तिक भाई, मैं कोई ईमानदार फिर कहने, उसके ऊपर प्रतिबंध थे। ये लोग कहां चले गए, ये लोग निकल कर अमेरिका चले गए। एलिगन चर्च की बाधाएं जो थी उनसे भी अमेरिका में वो लोग भी आए जो धर्म के सताए हुए लोग थे। जैसे कहते हैं इसमें एक आता है, अमेरिका में इंग्लैंड के एलिगन चर्च की अनेक बाधाएं थी, यहां प्यूरिटन और क्वेकर कैथोलिक लोग अमेरिका आ गए। फ्रांस के शासकों ने तंग करे उड़े, तो यहाँ ह्यूजिनॉट या मैं कहूं प्रोटेस्टेंट वाले वो भी अमेरिका चले गए। बड़ी संख्या में लोगों ने धर्म को के बजाय स्वतंत्र विचारों को ग्रहण किया। यूरोप का वातावरण उस टाइम का था इस प्रकार का था कि यूरोप में मारकाट का दौर चल रहा है। हमें देखा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वालों का एक लंबा संघर्ष चला, उसके बाद भी ठीक है अमरीका थोड़ा इंग्लैंड का वातावरण थोड़ा सुधर रहा था, वे और देश से गुड़ पहुंच गए, लेकिन फिर भी चर्च की बाधाएं थी, उसको कर देना पड़ता था देश की देश में उद्योग, और कई लोग इसको मानने को तैयार नहीं थे। तो अमरीका में जो है खुले विचारों के, स्वतंत्र विचारों के लोग जो पैदा हुए। और जब ये धर्म का जो हस्तक्षेप था, क्योंकि तो देखो प्रारंभ में ये धार्मिक लोग, ईसाई पादरी, इन लोगों ने जाके दूसरे देशों में धर्म का वातावरण बनाया। अमेरिका में ये वातावरण इतना बाद में नहीं बन पाया, लोग स्वतंत्र विचार खुले विचार, लोग किसी चीज मानते को नहीं, भाई मैं नहीं मानता, धर्म मानते लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि इतनी रूढ़िता को मान लें। परिणाम ये हुआ कि जो है धार्मिक आधार पर अमरीका के देश और यूरोप के देश या इंग्लैंड के देश जो है बिल्कुल, इंग्लैंड और अमरीका बिल्कुल धार्मिक आधार पर एक दूसरे से पूरक थे, एक दूसरे चेंज थे। प्रतिफल ये रहा कि जो है अमेरिका के अंदर जो है क्रांति का एक बड़ा कारण जो है धार्मिक कारण भी सहायक सिद्ध हुआ।